बात उत्पन्न हुई है, इसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है और यहाँ के मैक्सिमम आबादी जो है या तो खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सड़क पे चाय बेचते हैं, सड़क पे पकौड़ी बेचते हैं। और जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें लगातार हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, और लगातार सदन के अंदर मंत्री ने यह कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं। आज हालात ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे जो है गांव में भूखे मर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं घरों में कि आखिर इस देश को, दुनिया को क्या हो गया, हमें खाना क्यों नहीं मिल रहा है। अंत में हमने निर्णय लिया, हम अपने टनकुप्पा प्रखंड में, फतेहपुर प्रखंड में, बोधगया में, हमने फतेहपुर में जो है ब्लॉक और थाना को हमने हैंड ओवर किया, एक ट्रक चावल आटा। टनकुप्पा ब्लॉक को हमने हैंड ओवर किया कि आप गरीब मरे नहीं, कोई गरीब का बेटा। हम स्वयं यहाँ लगे हुए रात दिन और हम पैकिंग करते हैं, और बोधगया के CEO और बोधगया के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, दो दिन तीन दिन से भूखा है। हम उसको सरकार को, प्रखंड विकास पदाधिकारी के हम गाड़ी में ही अनाज देते हैं और हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। बोधगया के आसपास यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, हजारों लोग बाहर से आए और यहाँ पे फुटपाथ पे अपना जीवन यापन, चप्पल बेच के, सत्तू पी करके, कोई फल बेच करके, जैसे तैसे। अभी उसकी हालात ऐसी हुई कि दो दो दिन, तीन तीन दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक भी व्यक्ति को हम इस भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे हम भूखे नहीं रहने देंगे। और मैं दो दो बजे रात तक हम लोग बैठ करके पैकिंग करते हैं और सुबह जो है हम अधिकारियों से मदद मांगते हैं कि ये गरीब तक जो है कम से कम पहुँचाइए। यही हमारा अभी चल रहा है। और तो सभी जनप्रतिनिधियों को संदेश देंगे कि अगर सच में आप जनप्रतिनिधि हो और देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो गरीब की सेवा, इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं हो सकती है। क्योंकि सरकार मुफ्त में जो अनाज दे रही है, डीलरों के द्वारा लाखों को तक पहुंचाना है, वो कहीं नहीं, आज भी कहीं न कहीं वो असफलता दिख रही गरीबों का। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लगातार इस सवाल ये उठता रहा है कि गरीबों की अनाज जो है गरीबों तक नहीं पहुंचती। बड़े बड़े जो माफिया हैं वो गरीबों का अनाज जो है रास्ता से गायब कर देते हैं और वो बेच करके, और ये बहुत बड़ा रैकेट है। बोधगया में भी बहुत सारे ऐसे रैकेट हैं, हमने भी इसको पकड़ा। मुझे भी पता चला कि अनाज जो है हमारे नाम पे, उसके नाम पे, उसके नाम पे लोग जो है कि गरीबों को बांटने के लिए मांगा जा रहा है और रास्ते में बेच रहे हैं। हम लोग को जानकारी हुई एक एक डीलर के दरवाजे पे जा करके, और मैंने कहा कि माफियाओं से सावधान, हर हालत में आपको गरीब का अनाज देना होगा और नहीं तो आप FIR, और जो कानून अपना काम करेगा। और मैं पर्सनली छोड़ने वाला नहीं, अगर गरीब को अनाज नहीं पहुंचेगा तो हम रात दिन इतना मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ करके इसके लिए कर रहे हैं, ये हम गरीब गुरुवा के लिए कर रहे हैं। ये माफिया जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें सहयोग, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। हम अभी के वर्तमान SDO को, DM को, ये सब को मैं बधाई देता हूँ कि इसके पहले जो गड़बड़ियाँ थी हम लोग कह के थक जाते थे, नहीं होता था। अभी का जो गया के सदर SDO है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर कोई एक आवाज़ देता है तो चाहे उनको जाने में उस स्थल पर जितनी दूरी हो वो छोड़ते नहीं है। अभी के अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं, और हम लोग मीटिंग में भी कहा था कि हम लोग उससे भी जो काम लेना है ले लीजिए, लेकिन हमारा भी एक पहला मकसद है इस इलाके में, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती के इलाके में एक भी व्यक्ति भूखा न रहे।